कोविड-19 के नए वर्जन से निपटने के लिए पूर्णिया स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा चलाया गया मॉक ड्रिल। बता दें, पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 के नए वर्जन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं जानकारी देते हुए पूर्णिया राजकीय मेडिकल कॉलेज के सिविल सर्जन डॉक्टर एपी चौधरी ने बताया कि कोविड-19 के नए वर्जन से निपटने के लिए पूर्णिया स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है, साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। तो वहीं अस्पताल में 76 ऑक्सीजन बेड व 315 आइसोलेशन बेड की उपलब्धता है, साथ ही कोविड केयर सेंटर 24 घंटे कार्यरत कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूर्णिया जिला में एक भी कोविड पॉजिटिव मामले नहीं है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोविड के नियमों का आप पालन करें, आप आसानी से बचाव कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे न्यूज 18 पूर्णिया से विक्रम झा। आगे खबरों के लिए सुने डॉक्टर एपी चौधरी ने क्या कहा। कोविड का कोई भी कंफर्म केस नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वस्तु स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हमारी सारी तैयारियां पहले भी थी और तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए इसी के साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, ताकि हमारी तैयारियां सारी हो जाएं। और जो पहले से हम लोग कर रहे थे RT-PCR का टेस्ट, वो भी जारी है। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ये मैसेज दीजिए कि लोग सतर्क रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यानी जो है दूरी बना के रखें, मास्क का उपयोग करें और रेगुलर इंटरवल पर हाथ को सैनिटाइज करें, अच्छे से धोएं, बढ़िया से, बस यही है।